नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्रिकेट मैच में हुए ऐसे एक हैरान कर देने वाले फैसले के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रणजी ट्रॉफी 2019-20 में खेले गए राउंड एक के मैच की। यह मैच मेघालय और नागालैंड के बीच खेला गया। इस मैच में मेघालय के कप्तान पुनीत बिशित ने पहली पारी में 125 रनों की बढ़िया पारी खेली, जिसमें 19 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। वहीं दूसरी पारी में पुनीत बिशित केवल 20 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी तरफ मेघालय के ही स्पिन गेंदबाज संजय यादव ने पहली पारी में 9 विकेट और दूसरी पारी में 4 विकेट झटके। बल्लेबाजी करते हुए भी संजय यादव ने 61 रनों की बढ़िया पारी खेली, जिसकी मदद से मेघालय ने इस मैच में 110 रनों से जीत हासिल की। आखिरी में आया वो हैरान कर देने वाला फैसला। मैच खत्म होने के बाद दोनों पारियों में कुल 145 रन और 2 विकेट लेने वाले पुनीत बिशित को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि संजय यादव ने इस मैच में 13 विकेट और 62 रन बनाए थे। दोस्तों, मेरी राय में मैन ऑफ द मैच संजय यादव को होना चाहिए था। आपकी राय में मैन ऑफ द मैच किसको होना चाहिए था, नीचे कमेंट करके जरूर बताना।